दुमका कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले में आज फैसला आ सकता है। गुरुवार को फैसला टल गया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में फैसले की तिथि निर्धारित थी, लेकिन लालू की ओर से आवेदन दिए जाने की वजह से फैसला टल गया। लालू प्रसाद की ओर से उनके अधिवक्ता ने अदालत में आवेदन देकर अनुरोध किया कि उन्होंने बुधवार को तीन अधिकारियों को मामले में आरोपित किए जाने को लेकर आवेदन दिया है। अदालत ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए आवेदन पर सुनवाई की। इस पर सीबीआई ने लिखित और मौखिक पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला स्थगित कर दिया। साथ ही लालू प्रसाद के आवेदन पर आदेश के लिए शुक्रवार की तिथि निर्धारित की। आवेदन पर आदेश के बाद फैसले की तिथि और समय का निर्धारण होगा। अब आज पता चलेगा कि लालू, जगन्नाथ सहित 31 अभियुक्तों पर फैसला कब आएगा।